कृषि मंत्री ओपी धनखड़ के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदेश के सभी किसान संगठन जींद पहुंचे और जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। बता दें, किसानों द्वारा किए जा रहे इस विरोध प्रदर्शन में प्रदेश भर से किसानों ने भाग लिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। पत्रकारों से बात करते हुए किसान नेता ने कहा कि प्रदेश के सभी किसानों की समस्या लगभग एक समान है। उन्होंने बताया कि किसानों की मांगों को लेकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन में प्रदेश भर से किसान शामिल हुए हैं। गांव में लूटती है तो हम आपको वहाँ जींद में वो दिखाएंगे और हम यहाँ पर आपका बहिष्कार करने आएंगे। तो हमें तो आप दिखाई नहीं दे रहे और हम यहाँ जांच कला अड्डे के ऊपर धरने पर बैठे हैं। इन भाइयों का भी जिस तरह हमारा नुकसान किया है उनका भी इसी तरह किया है। किसी गांव में 101 करोड़ है, किसी गांव में 20 लाख है, किसी में कितना ही है। तो हम आपका विरोध कर रहे हैं और यहाँ जांच लेकर बैठे हुए हैं। जींद वाले से जींद हल्के से ये विशेषकर मतलब विनती करने आए हैं। अब बीजेपी सरकार झूठी सरकार, इसको वोट ना करके किसी को वोट कर दो तो इनको पराजित करता हो। हम इसीलिए यही संदेश लेकर आए हैं और 26-27 तारीख तरह हम इस जींद हल्के में जहाँ उपचुनाव हो रहा है यहीं पर रहेंगे, घर घर जाएंगे और हम आपसे इस जींद हल्के यही करते हैं अपील कि भाई इन बीजेपी सरकार वालों को वोट न दे के किसी को पार्टी को वोट दो। हम इनके खिलाफ हैं, बीजेपी सरकार की, जो कि सरकार की किसान विरोधी नीतियों से परेशान है और उनका खंडन करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की इन्हीं गलत नीतियों की वजह से झज्जर के रैया में किसान 23 दिन से धरने पर बैठे हैं। किसान एकता धरना गांव रैया से जींद के लिए एक टीम निकली है 31 सदस्यों की जो वहां जाके बीजेपी सरकार के बहिष्कार करेगी और उनके खिलाफ आवाज़ उठाएगी। जो उन्होंने हमारे गांव की किसानों की 105 एकड़ भूमि अधिग्रहण किया है उसको खोसने की कार्रवाई कर रहे हैं कृषि मंत्री और बीजेपी के नेता और प्रशासन जोर जबरदस्ती जो कर रहा है उसके बारे में वहां जींद जाके लोगों को जागरूक करेगी और अपील करेगी कि किसी भी कीमत पर बीजेपी सरकार को वोट ना दे। धन्यवाद। प्रदेश के कृषि मंत्री पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि झज्जर के रैया गांव की 105 एकड़ उपजाऊ भूमि को सरपंच के साथ मिलकर कृषि मंत्री ने स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से कब्जाने की कोशिश की, जिसके खिलाफ किसान 23 दिन से धरने पर और 13 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। किसान पूरे देश का, किसान पूरे प्रदेश का, सभी जिलों का, सबकी पीड़ा लगभग समान है। आपके झज्जर के रैया गांव में 105 एकड़ उपजाऊ गोचरण भूमि सामला श्रेणी की वहाँ के कृषि मंत्री ने सरपंच के साथ साजबाज होकर रेवेन्यू रिकॉर्ड में तब्दीली करके स्थानीय प्रशासन के साथ कब्जाने की कोशिश की, जिसके खिलाफ वहाँ 13 दिन से भूख हड़ताल और 23 दिन से धरना जारी है। यही वाक्य जींद के साथ वाले यहाँ पे गांव में हुआ। यहाँ भी 1 रुपये के हिसाब से सामला भूमि के रेवेन्यू रिकॉर्ड में धोखा करके, लेकिन वहाँ पर प्रदीप धनखड़ जैसे युवा नेता थे जो वहाँ पर डट गए। किसान से अपील करना चाहता हूं जींद के, ये आपकी सार्वजनिक भूमि थी, यहां भी एक बड़ा घोटाला हुआ है लेकिन यहां का किसान चुप है। और जिस धरने स्थल पर हम बैठे ये एक ऐतिहासिक धरना स्थल हो चुका है, 1 साल से ऊपर जांच कला का किसान यहां बैठा है। आप देखेंगे यहां आहिर का गांव है साथ में, वहाँ 125 करोड़ रुपये से इन्होंने बाईपास पर मुआवजा दिया है। इस गाँव को 27 लाख रुपये मुआवजा दिया है। कौन सी पार्टी है जिसने ये वायदा यहाँ के नहीं किया कि हम आपके साथ न्याय कराएंगे? हुड्डा साहब के सरकार के दौरान ये प्रक्रिया चालू हुई और इस सरकार ने तो हद कर दी। यहाँ का ADC 1 साल से इस फाइल के ऊपर बैठा रहा है, तारीख पे तारीख, और इनके वायदे होते हैं। हम पूछते हैं 4.5 साल में आपने किसान को क्या दिया? हम बताते हैं आपने 4.5 साल पर किसान को क्या दिया। मंदाछोर में 6 किसानों को आपने गोली से उड़ाया, तूतीकोरण में 9 किसानों को आपने गोली से उड़ाया, और ये जो हरे रंग वाले प्रचार कर रहे हैं कंडेड़ा गांव में 9 किसानों को यहाँ गोली से उड़ाया, जिनके खून से किसानों के हाथ रंगे हैं वो आज किसान की बात करते हैं। अरे किसान की बाईपास का इतना बड़ा मुद्दा है, यहाँ पे आप निर्माण किए जा रहे हो, प्रशासनिक अफसर उस पर बैठा है, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। आपने 4 बार भूमि अर्जन कानून के 24(2) सेक्शन को कमज़ोर किया, 4 बार किसान विरोधी आप उसमें संशोधन लाए, 4 बार आप विफल रहे। MSP कानून के साथ उतरे आप, लेकिन उसको कानूनी जाम आपने नहीं पहुंचाया। हमने यहाँ जींद की मंडी भी देखी थी, जहाँ खरीद के लास्ट के 2 दिन बचे हुए थे वहाँ 5-7 किसानों का बाजरा खरीदा गया,
450 करोड़ की हरियाणा में सरसों के टाइम पे लूट हुई, और अब की बार जो फसल बाजार में आने वाली है उस पर भी आपने गिरदावरी की जिम्मेदारी किसान पे डाल दी और रजिस्ट्रेशन की पाबंदी लगा दी। जब साथ वाले राज्यों ने यहाँ कर्जा माफ़ी की है तो खट्टर सरकार कहते हैं हमें यहाँ कर्जा माफ़ी नहीं करेंगे। आप DBT भी नहीं दे रहे किसान को। 254 किसान आत्महत्या यहाँ पे हो चुकी हैं हरियाणा में, आप उनके आंकड़े सार्वजनिक नहीं कर रहे, किसी की भी आप SDM स्तर की जांच नहीं कर पा रहे। आपके यहाँ पे डी ग्रुप की एक भर्ती घोटाले कल उजागर हुआ है, और यहाँ कोई औरंगजेब घुसा हुआ है, कहीं परिवार का कलह घुसा हुआ है, कहीं कोई अपना राजनीतिक वजूद यहाँ पर तलाश कर रहा है। हम किसानों से अपील कर सकते हैं जींद ज़िले के किसानों के लिए सबसे पहले उनका मुद्दा और दर्द ऊपर होना चाहिए। 65% हैं किसान यहाँ पे, हर जाति से हर वर्ग से, शहर में भी किसान रहता है, गांव में भी रहता है। अगर हम संगठित हो जाएं तो सबसे पहले हमें पिछले 4.5 साल का हिसाब किताब चाहिए। अरे आपने ज़मीन की कुर्की तक के आदेश करा दिए हरियाणा में, आपने बिजली के बिलों पे ट्यूबलों के लिए कनेक्शनों के लिए यहाँ तरसा दिया, लघु सिंचाई योजनाओं पे किसान को तरसा दिया, ना फसल का दाम मिला, और सामलात भूमि लूटने के लिए आपने पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट में चुपचाप संशोधन कर दिए, और जो शहर में जो ये दुकानदार मालिक हैं जिसको जाति विशेष करके रोहतक से आपके मुख्यमंत्री सारी नैतिकताएं तोड़कर कह रहे थे कि पंजाबी पंजाबी को वोट दीजिए, उनको बगैर मांगे आपने दुकानों के मालिक बना दिया, उनके बीमे कर दिए, किसानों की मौत को भी आप सार्वजनिक नहीं कर रहे, उनकी किसी के SDM की जांच नहीं। गोहाना में किसान की मौत को 2 महीने हो गए, आपने उस पर एक FIR तक दर्ज नहीं की। SP सर चौकी इंचार्ज ये बता रहा है कि मेरा ज्यूरिडिक्शन नहीं पड़ता, तो आप किसान की ना मौत पे संजीदा है, ना उसकी फसल पे संजीदा है, उसका बेटा बेरोजगार घूम रहा है, सारा शहर आज खुदा पड़ा है, गंदगी के ढेर हैं। आपकी व्यवस्था देखो आपने क्या किया, बड़ोली में आपने नौकरी बेचने के चक्कर में आपने 2 करोड़ रुपए के ऊपर अपने कार्यकर्ता का मर्डर करा दिया। आपके नरवाना से देखो आपके राव साहब के ऊपर फर्जी डिग्री का केस है, आपके जो कृषि मंत्री हैं उसको उनके 28 गांव घुसने नहीं दे रहे, अवैध खनन में आपके मंत्री, ई टेंडर घोटाले में आपके मंत्री, एक मंत्री तो आप ला दो जो स्पष्ट है आपका। आपने भ्रष्टाचार किया है, आपने विज्ञापन पूरे किए हैं, 64% पैसा आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अपनी पार्टी केस में लगा दिया। आज ये संदेश देगा किसान जिस तरह से चुप है, उसके अंदर पीड़ा है, आक्रोश है, और मेरी हाथ जोड़ के विनती है हर किसान सबसे पहले ये कहे कि मैं किसान हूँ, हर युवा कहे कि नौकरी और रोज़गार मेरा मौलिक अधिकार होना चाहिए। और आज हमने देखा है कि यहाँ एक फैसला भी लिया गया है जांच कला के धरने पर कि इस चुनाव का बहिष्कार भी कर रहे हैं। जो भी पार्टी प्रमुख यहाँ लिख के देगा कि हमारी सरकार आते ही यहाँ समान मुआवजा वितरण होगा, ये गांव वोट करेगा नहीं था, ये वोट का भी बहिष्कार करेगा। और जो ये कंडेला खाप के गांव हैं और जिस तरह से शहर में घुसपैठ कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र सारा एक है, ना आपको जवान पसंद है, ना आपको किसान पसंद है, ना आपको गाँव पसंद है, पहले आप हिसाब किताब दीजिए। और मेरे किसानों से, मजदूरों से, सभी जातियों से एक ही अपील है कि जिस सत्ता ने भाई भाई को लड़ाया, 29 युवाओं पर जिन्होंने गोली चलाई, जिन्होंने कोई उनकी जांच नहीं रखी, जिन्होंने किसान की जमीन सामला ज़मीनें छीनी, जिनको मंडी में भाव नहीं दिए, कृषि को आपने इतना नीचे ला दिया, आप उसी किसान बेंच पे खड़े होकर किसान से वोट मांग रहे हैं। यदि आप हिसाब नहीं देते तो इसका जवाब आपको 28 तारीख से किसान देगा। यही संदेश हम देने के लिए आपके बीच आएंगे।